वेलकम अगेन इन नाइन्थ क्लास वीडियो लर्निंग। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऐसी वैरायटी डिस्कस करी थी कि जितने भी नंबर पॉइंट के बाद हुआ करते थे सबके ऊपर बार था। लेकिन अब हम उसकी दूसरी वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए जो पॉइंट के बाद नंबर है उनमें किसी पर बार है और किसी पर बार नहीं है। तो अगर वो वाला आपको तरीका अच्छे से समझ में आ गया हो, आपने प्रैक्टिस कर ली हो, तो आइए इस वैरायटी को डिस्कस करते हैं। इसमें भी उसी मेथड से ही काम करना है। सबसे पहले दिए हुए नंबर को कुछ नहीं लेट x करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं लेट x इक्वल्स 0.57 बार। ये देखिए सबसे पहले दिए हुए नंबर को x लेट करना है, ठीक है। अब जरा बार चेक करिए किसके ऊपर है, 7 के। तो 7 के ऊपर बार है तो 7 का बार हटेगा तो 7 रिपीट होगा, कहीं आप 5 को भी रिपीट कर दें। 5 तो तब रिपीट होता जब 5 के ऊपर भी बार होता। अभी क्या लिखेंगे, और x इक्वल्स 0.577777 जितनी मर्जी मार लिख दीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने डॉट नहीं लगाई तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, राइट। इस इक्वेशन का नंबर क्या डाल देंगे, 1। किसको रिपीट किया, जितने के ऊपर पार था। अब हम पहले क्या करते थे कि पॉइंट में जितने नंबर के पार होता था उतनी जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए कितने के ऊपर पार नहीं है, एक के ऊपर पार नहीं है, तो पहले जितने के ऊपर पार नहीं है उतनी जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10, इसमें 10, लेकिन उसमें दो नंबर पर पार नहीं है तो पहले 100 से करेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या लिखूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। देखिए 10 से मल्टीप्लाई की जा रही है। 10 से क्यों की जा रही है, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार पहले देखेंगे नहीं है, वो वाला नंबर देखेंगे कितने पे बार नहीं है, तो एक नंबर पर बार नहीं है तो एक जीरो यानी कि 10। तो चलिए 10 में एक जीरो है तो 10 की x से मल्टीप्लाई 10x। अब 10 में एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर आगे हो जाएगा। देखिए पॉइंट एक नंबर आगे हो गया, 5.7777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन का नंबर हो गया 2, ठीक है। वहां दो इक्वेशन बनती थी लेकिन यहां 3 इक्वेशन बनेगी। अब देखिए अब फिर से इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो से जितने के ऊपर बार है। अब चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में एक पे ही बार है और एक पे ही बार नहीं है, तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करें। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 10, एक नंबर के ऊपर, तो एक जीरो से बार। लेकिन अब इक्वेशन 1 की नहीं करेंगे, अब कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड सेकंड को। तो क्या लिखूं, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10 ऑफ इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन। 10 से क्यों, क्योंकि अब एक नंबर के ऊपर बार है, पहले उससे जितने पे बार नहीं है फिर उससे जितने पे बार है। तो चलिए 10 की, अब 10x की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो क्या हो गया, 100x। अब पॉइंट एक नंबर और ट्रांसफर, क्योंकि एक जीरो है तो ये हो गया 57.777 डॉट डॉट डॉट। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड, ठीक है। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 3 में से सेकंड इक्वेशन को माइनस किया जा रहा है। ये देखिए, तो पहले मैंने लिखा 100x 57.777 डॉट 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 और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन, सबसे कोई लेना देना नहीं है, 10x, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5.777 डॉट डॉट डॉट, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, 100 में से 10 किया 90 बच गया, और यहां 57 में से 5 जाएगा तो 52 बचेगा, पॉइंट के बाद तो जीरो आनी है। बोलिए x की वैल्यू क्या हो गई, 52/90, ये कटता है 26/45, ये हमारा आंसर हो गया। आप 26 को बीच में लिखिए, 45 से डिवाइड करिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। आइए एक और करते हैं। सबसे पहले क्या लेट करें, x equals 0.123 बार। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले x लेट करना। अब बताइए किसके ऊपर बार है, 2, 3 पर, तो 2, 3 को रिपीट करना है, बार हटाना है, 1 को नहीं करना है। क्या लिखूं, 0.123 2, 3, 2, 3, 2, 3, जितनी मर्जी बार लिख दीजिए, और इक्वेशन का नंबर क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। देखिए 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 रिपीट हो गया, ठीक। अब बताइए कितने के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर पर बार नहीं है, तो क्या लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पर बार नहीं है,
चलिए 10 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 10 में एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर ट्रांसफर होगा, तो ये हो गया 1.232323 डॉट डॉट डॉट, जरूर लगाइएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जरा सोचिए कितने से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, दो के ऊपर, तो अब 100 से करेंगे, पहले किससे, जितने पे बार नहीं है, और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसके किससे, जितने के ऊपर बार है। चांस की बात थी कि यहाँ एक पे बार था और एक पे नहीं था, तो पहली बार पे 10 से करा, दूसरी बार पे 10 से, लेकिन अब की बार यहाँ दो के ऊपर बार है, तो बताइए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो क्या लिखूं, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या लिखूं, 100, कौन सी इक्वेशन को, ऑफ इक्वेशन टू, अब सेकंड इक्वेशन को करेंगे, फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं, तो चलिए 10 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलिए क्या आएगा, 1000, अब 100 में दो जीरो है, यहां है पॉइंट, पॉइंट को दो नंबर, इससे नहीं, इस वाली इक्वेशन को, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट को दो नंबर आगे ले जाओ, 1 2 3, देखो पॉइंट दो नंबर आगे आ गया, 0.23 23 23, जितनी मर्जी बार लिखो, कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड, क्या लिखूं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, चलिए थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो ऊपर आएगा 1000x 123.232323, और इसके नीचे लिखेंगे 10x, और पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना है, 1.232323, क्या करें, साइन चेंज, 990x, और ये बच गया 122, ये देखो 123 में से वन चला गया, और बताइए x का क्या आंसर आ गया, 122/990, काट दीजिए, 26 जा 21 जा 24 जा 8 1 29 जा 18 1 25 जा 10, ये आगे कटता हूं तो ठीक है, नहीं तो 61/495 आपका आंसर आ गया। पहले उतने से करना है जितने पे बार नहीं है, फिर उतनी जीरो से करना है जितने के ऊपर बार है, लेकिन कौन सी इक्वेशन को, सेकंड को, फिर फर्स्ट को भूल जा रहा है, थोड़ा होता है, एक क्वेश्चन और बचा, इसे भी करते हैं, चलिए इसको भी करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.235 और बार केवल 5 के ऊपर है, बस केवल 5 के ऊपर, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को क्या ऐड करूंगा, 235 बार को x ऐड करूंगा, अब बताइए कितने के ऊपर बार है, केवल 5 के ऊपर बार है, तो 5 को रिपीट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, डॉट डॉट, कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, अब बताइए कितने के ऊपर बार नहीं है, अब दो के ऊपर बार नहीं है, तो पहले यहां एक पर बार नहीं था तो 10 से करी थी, यहां दो पर बार नहीं है तो पहले किससे करेंगे, 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ये देखिए बाय 100, चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100x, अब 100 में कितनी जीरो है, दो, तो पॉइंट दो नंबर आ गया है, 23.5555 डॉट डॉट डॉट, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। ठीक है, अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने के ऊपर बार है, देखो यहां पहले दोनों तरफ एक पे बार नहीं था तो 10 से, दो पर था तो फिर 100 से, अब यहां पहले किससे करी, जितने के ऊपर बार नहीं है 100 से, और अब किससे करेंगे, जितने के ऊपर बार है, तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, केवल एक नंबर से, एक नंबर के ऊपर बार, 10 ऑफ इक्वेशन 2, तो चलिए सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, बताइए 100 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 1000, अब 10 में एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर आगे कर दिया, 5.5555 डॉट डॉट डॉट, कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड, क्या करिए इन दोनों की तरह सरण में से सेकंड क्या कर दीजिए, माइनस, इक्वेशन 3 में से सेकंड को माइनस, 1000x 235.5555 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे क्या लिखें, 100x, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइनस ये बच गया 900x, भाई 1000 में से 100 जाएंगे 900, और 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 2, और x का आंसर आ गया, आगे तो 0 हो जाएगी, 212/900, अब ये किससे कटता है, 212 0 26 12 450, फिर से 2 से कटता है, 25 जा 23 जा, देखिए 22 जा 4 1,
अब ये किसी से नहीं कटता, तो आपका आंसर हो गया 53/225। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दोनों वैरायटी डिस्कस कर ली। एक वो जो पॉइंट के बाद नंबर आते थे सबके ऊपर बार होता था, और आज वो तीन क्वेश्चन किए जितने में कि किसी पे बार है और किसी पे नहीं है। तो मोटी मोटी क्या बात याद रखनी है, पहले दोनों तरफ उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करनी है जितने पे बार नहीं है, नहीं है। ठीक है, और फिर जो नई इक्वेशन बनेगी उसकी दोनों तरफ उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करनी है जितने पे बार है। इसमें पहले एक पे बार नहीं था, दो पे था, पहले 10 से करी फिर 100 से। इसमें पहले दो पे नहीं था फिर एक पर था, तो पहले 100 से करी फिर 10 से। तो थर्ड में से सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है, फर्स्ट से कुछ नहीं करना। आप खूब प्रैक्टिस करिए, और एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, शायद कोई एग्जांपल देख लीजिए 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और एग्जांपल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और एग्जांपल नंबर 9। और भी क्वेश्चन आपके पास कोई एक्स्ट्रा किताब में हो करिए। हम इस एक्सरसाइज में अब नई चीज इससे अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इतने आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप करिए। हैव अ गुड डे।